तो आप लोग आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किया जाने वाले एग्जामिनेशन टाइम टेबल और शेड्यूल्स के बारे में। तो बेसिकली बच्चे बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, ठीक है, जिनका एटी केटी का एग्जाम है या रेगुलर एग्जाम है, ठीक है, उनके लिए बेसिकली बता दूं कि ये जो कोर्सेस है ये आपका BMS का कोर्सेस है और इसमें देख सकते हो सेमेस्टर 6 का जो कोर्सेस है उसका ये शेड्यूल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, जिसका प्रोग्राम कोड यहाँ पे देख सकते हो 2M00146 है, ठीक है, और पेपर पैटर्न यहाँ पे 7525 का है, रिवाइज पेपर पैटर्न 2017 का है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे इसका वेट कर रहे थे, चलिए मैं आपको इसका ओपन करके दिखा दूँ। टाइम टेबल यहाँ पे आ चुका हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो ये समर एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, 7525 D5 BMS M6 का है और प्रोग्राम कोड आप देख ही रहे हो, बहुत सारे बच्चे इसका बेसिकली सही में इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनको एटी केटी का एग्जाम देना है। आप देख सकते हो कि ये जो आपके एग्जाम्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं 15 अप्रैल से, राइट। 15 अप्रैल में जो फर्स्ट पेपर है वो है आपका ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है, सबसे पहला पेपर यही होता है हमेशा, ठीक है, जब भी आप T5 BMS M6 का देखोगे तो। और मैं बता दूं कि आपको ऑपरेशनल रिसर्च, ठीक है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, इसके टॉपिक पे, इसके जो सिलेबस है, देखिए पूरा सिलेबस मैंने कवर किया हुआ है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको 3 साल के पेपर सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, राइट। आप उसको देख के सीख सकते हो अपना ऑपरेशनल रिसर्च और बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए इसका जो टाइम टेबल है वो मैं बता दूं, इसका जो टाइम है वो आफ्टरनून में है, 2:30 से लेके 5 PM तक है, 75 मार्क्स का पेपर है, इसलिए 2.5 घंटे के पेपर रखे गए। इसके बाद देख सकते हो कि कंटिन्यूस पेपर दिया हुआ है, मतलब 16 अप्रैल में, ठीक है, इंडियन एथोस इन द मैनेजमेंट है, पूरा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, राइट, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। एंड देन फिर आपको 18 अप्रैल, एक दिन का गैप दिया हुआ है, इसके बाद कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन PR है, राइट, और उसके बाद 19 अप्रैल में यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो इलेक्टिव और सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो ये जो 3 पेपर्स है यहाँ पे देख सकते हो, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग के लिए ब्रांड मैनेजमेंट, और HR के लिए HR मीन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, राइट। सेम इसी तरीके से अब आपके पेपर कंडक्ट किए जाएंगे फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR। फाइनेंस में है तो इंटरनेशनल फाइनेंस के पेपर होंगे 20 अप्रैल में, सॉरी 22 अप्रैल में, ठीक है, एंड रिटेल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। फिर 23 में आप देख सकते हो कि इनोवेटिव फाइनेंस सर्विस है, फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड HRM इन सर्विस सेक्टर्स मैनेजमेंट। इसके बाद कंटिन्यूस पेपर है यहाँ पे, बेसिकली ये 24 को आपका लास्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 24th of April, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जिसमें, और मीडिया प्लानिंग, और उसके बाद आपका ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो 15 अप्रैल से स्टार्ट है और 24 तक आपका वो एग्जाम खत्म हो जाएगा, 9 डेज में पूरा आपका जो 7525 का पेपर पैटर्न है T5 BMS M6 का वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको सिखाता हूँ अपने इस चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि बच्चों को बेसिकली ये हार्ड भी लगता है, राइट। आप उसको अच्छे तरीके से देखिए, गारंटी है कि आपको फर्स्ट लेक्चर्स में ही आपको समझ में आ जाएगा ऑपरेशनल रिसर्च, मैंने इजी वे में कोशिश किया हुआ है आपको समझाने के लिए। चलिए ये टाइम टेबल आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर